हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएससी क्लासेस। यहाँ पे हम आज आपको कराने जा रहे हैं कैलेंडर रीजनिंग का जो टॉपिक होता है। यहाँ पे आपको क्या बैंक, एसएससी, आपके या अब यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है, तो वहाँ पे भी इस तरह का जो कैलेंडर होता है काफी पूछा जाता है। तो हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे कि आपको यहाँ पे क्या कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, मीन्स आपको बिना फॉर्मूला याद किए आप क्या कैलेंडर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस हमारे आपको क्या कंसेप्ट को याद में रखना है। जैसे कि आपको पता है, अगर आपने एक बार कंसेप्ट को देख लिया, समझ लिया, तो उसके बाद क्या होता है, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कराते हैं। जैसे आपको पूछा जाएगा 15 अगस्त 1988 को सोमवार था, तो आपका 10 दिसंबर 1994 को कौन सा दिन हुआ। इस तरह के क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, बिना किसी फॉर्मूला याद किए हुए आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो जैसे आपको कैलेंडर, हमें आपको बता रहे कैलेंडर, आपको जैसे कैलेंडर में पता होना चाहिए। तो कैलेंडर क्या होता है, एक कैलेंडर होता है, जैसे हमारा दिन होते हैं ना, जैसे आपका क्या होता है कि आपका क्या होता है, एक ईयर होती है, ठीक। तो आपकी जो ईयर होती है, ईयर में क्या आपका होता है, ईयर में आपको होते हैं मंथ। आपको पता है कितने मंथ होते हैं, हमारे ईयर में होते हैं कितने, 12 मंथ होते हैं। कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो जिस तरह से हमें पता होता है कि हमारे ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो उसी तरह से हमारे ईयर में बैक वो वीक भी होते हैं। हमारे ईयर में कितने वीक होते हैं, तो वीक से पहले हमें पता चलना होना चाहिए कि हमारे ईयर में डे कितने होते हैं। तो अब अपनी ईयर में आते हैं, तो डे पे अगर फोकस करते हैं तो हमारे ईयर में डे कितने होते हैं। तो देखो हमारे प्यारे बच्चों, हमारे ईयर में जो डे होते हैं वो कितने होते हैं, आपके डे होते हैं आपके 365। कितने होते हैं, 365 डे होते हैं। तो आप देखो, आप कह सकते हो सर आपने 365 डे बताया, बट आपने एक दूसरे ऑप्शन में लिख रखा है कितना, 366 डे। कितना लिख रखा है, 366 डे। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आपको बता देते हैं क्या होता है कंसेप्ट ऑफ कैलेंडर, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप जाते हैं ऑर्डिनरी ईयर, देखो अगर आपकी कौन सी है ऑर्डिनरी ईयर है, तो होते हैं 365 डे। तो बोलो बच्चे, आप कहोगे किस ऑर्डिनरी ईयर क्या होती है। देखो ऑर्डिनरी ईयर क्या होती है, तो यहाँ से देखिए, देखो आपकी दो तरह की ईयर होती है, एक होती है आपकी ऑर्डिनरी ईयर और सेकंड होती है आपकी लीप ईयर, ठीक है। तो लीप ईयर आपकी क्या होती है कि अगर आपकी कोई भी ईयर, मतलब कोई भी ईयर आपका क्या होता है, अगर 4 से डिवाइड है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, लीप ईयर कहलाती है, ठीक। जब आपकी लीप ईयर होती है तो उसमें आपका जो वीक होता है, देखिए आपका अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो वहां पे आपके कितने होते हैं, 52 आपके वीक बनते हैं, और उसके बाद बचता है आपका एक दिन। उसके बाद आपको क्या बचता है, उसके बाद बचता है एक दिन। तो अब आपका एक दिन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं जो कंसेप्ट होता है आपका कैलेंडर का। तो क्या होता है, देखिए आपका ये आपका जो सेंटर में क्या है, आपका है ये सन, क्या है आपका सेंटर में आपका सन है। और जो आप इसका जो रोटेशन करती है, इसका जो रोटेशन करती है वो कौन करती है, वो करती है हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी क्या करती है, सन का इस तरह से रोटेशन करती है। जब रोटेशन करती है तो क्या होता है, एक साल में जो हमारी पृथ्वी होती है वो 1 ईयर में क्या करती है, एक कंप्लीट रोटेशन कर लेती है, किसका, सन का, ठीक है। बट कंप्लीट रोटेशन करने के बाद क्या होता है, आपका आपके 6 आवर ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे आप समझ सकते हो कि एक साल में क्या होता है कि आपका हमारी पृथ्वी का सन का रोटेशन एक कंप्लीट होता है और 6 आवर ऐड हो जाते हैं। तो जैसे ही आपकी फर्स्ट ईयर में कितने होंगे, 6 आवर होंगे, आप सेकंड ईयर में जाओगे तो क्या होगा, 6 आवर होंगे, थर्ड ईयर में क्या होगा, 6 आवर होंगे, और आपके फोर्थ ईयर में क्या होगा, आपके 6 आवर होंगे। कितने होंगे, 6 आवर होंगे फोर्थ ईयर में, ठीक है ना। तो आपके 4 ईयर में कितने होंगे, आप ऐड करो तो कितना होगा, 24 होगा। जब आप पता है अगर आपके 24 घंटे हो जाते हैं तो उसको मैं क्या बनता है, अगर आपके 24 घंटे होते हैं तो वो बनता है एक आपका दिन, और यही दिन आपका क्या कहलाता है, आपका कहलाता है आपका लीप ईयर। जब आपका एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है तो वो होता है आपका लीप ईयर। अब आपका लीप ईयर का जो डे इंक्रीज होता है वो किसमें होता है, तो आपको पता होगा कि आपकी क्या होती है, जो फेब होती है, जो आपकी फरवरी होती है, उसमें क्या होता है, आपकी सारी फरवरी कितनी होती है, 28 की होती है। बट जो लीप ईयर होता है उसमें आपकी फरवरी कितनी की होती है, 29 की होती है, ठीक। तो अब आपने समझ लिया होगा कि लीप ईयर का कंसेप्ट क्या है। तो आपकी जो ऑर्डिनरी ईयर होती है उसमें क्या होता है, 52 वीक होते हैं, और 1+ होता है कि एक एक्स्ट्रा डे, ठीक है ना, क्या होता है, एक एक्स्ट्रा डे। और जैसी आपकी आती है कौन सी ईयर, आपकी आती है लीप ईयर, तो उसमें क्या होता है, आपके 2 एक्स्ट्रा डे आते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, एक साल में क्या होता है, 12 महीने होते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, सिंपल ईयर में आपकी जो फरवरी होती है वो कितने की होती है, आपकी 28 की होती है, और आपकी लीप ईयर वाली फरवरी कितने की होती है, आपकी वो आपकी होती है 29 की, ठीक है ना। और बाकी आपके सेम डे होते हैं, ठीक। और बीच में आपका कितना होता है, 52+1, अगर आप डिवाइड करके देख सकते हो। देखिए आप यहाँ से आप करिए, 366 को क्या डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो कितना आएगा, नहीं 7 से, हमें तो वीक निकालना है, कितने वीक होते हैं,
आप जब 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखिए 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 एक बचा, अब कितने 16 हो गए, तो क्या हो गया 7 दूनी 14 हो गया, अब आपका क्या बचा, 2 बच्चे, तो 2 क्या हो गया आपका, 2 हो गया, ये एक्स्ट्रा डे क्या हो गया आपके, 2 क्या हो गया एक्स्ट्रा डे, तो ये आपका क्या होता है, जो आपकी ये आपकी लीप ईयर है, और लीप ईयर में कितने होते हैं 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं, इन्हीं एक्स्ट्रा डे के बेस पे हमारा क्या होता है, हम निकालते हैं कौन सा दिन है। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कितने इसमें एक्स्ट्रा डे आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये कंसेप्ट आपने अब समझ लिया है कि जो सन का रोटेशन कौन करती है, पृथ्वी करती है, और जब पृथ्वी सन का रोटेशन करती है तो एक साल में 6 घंटे आपके पृथ्वी के एज हो जाते हैं। इसी तरह से जब 6 साल होते हैं, मतलब 4 साल होते हैं, तो आपके कितने 24 घंटे होते हैं, और आपका क्या बनता है, एक दिन कंप्लीट बन जाता है, जो क्या कहलाता है आपका, लीप ईयर कहलाता है। चलिए अब चलते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो देखिए अब आपने नेक्स्ट कंसेप्ट में समझ लिया है कि जो आपकी ईयर होती है अगर वो 4 से डिवाइड है, 4 से क्या कंप्लीटली डिवाइड है तो वो क्या कहलाती है, लीप ईयर कहलाती है, और 4 से डिवाइड नहीं है तो क्या कहलाती है, सिंपल ईयर कहलाती है। तो हम आपके लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेके आए जिसको आप यहाँ पे हमारे साथ सॉल्व कीजिए, और कुछ एग्जाम्पल क्या कीजिए आप अपने घर पे सॉल्व कीजिए, जिससे क्या हो प्रैक्टिस हो, जब प्रैक्टिस होगी तो आपका क्या होगा माइंड में कंसेप्ट आपके फिट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये ईयर हमारी क्या है, लीप ईयर है या फिर क्या ऑर्डिनरी ईयर। तो देखो लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, हमें तो लीप ईयर देख रहे हैं, एक्स्ट्रा डे तो नहीं देख रहे, तो हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए आपके, देखिए आप देखो 4 पे करेंगे तो क्या होगा, 4 3 12 होगा, क्या होगा 4 3 12 एक बचेगा, क्या बचेगा फिर होगा 4 3 12 होगा, अब क्या बचेगा आपका, एक बचेगा, तो ये क्या हो जाएगी आपका रिमाइंडर या बच रहा है, जब रिमाइंडर बच रहा है तो क्या होगी, ये आपकी क्या है, कौन सी ईयर है, ये आपकी है ऑर्डिनरी ईयर, क्या है ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है ना। अब हम आपको दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अब लेते हैं हम लाइक दैट 2020, सेकंड एग्जांपल क्या लेते हैं हम आपके, लेते हैं 2012। अब आप चेक कीजिए लीप ईयर है कि नहीं, तो देखिए आप देखिए क्या होगा, 4 5 20 होगा, और यहाँ 0 आ जाएगा, और क्या होगा 4 3 12, मतलब क्या होगा आपको जो रिमाइंडर है क्या है वो 0 है, रिमाइंडर क्या यहाँ पे 0 है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये होगी आपकी लीप ईयर, क्या होगी आपकी ये लीप ईयर, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप रिमाइंडर देख सकते हो, देखो अपने हो था 4 3 12 हुआ था, 4 3 12 बचा था, तो हम क्या कर देते 0 कर लेते, पॉइंट में क्या आता आपका, जो रिमाइंडर बचता कितना बचता, एक रिमाइंडर आपका बचा था, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे देख लिया, हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बाकी क्वेश्चन आप अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए, और आप क्या कीजिए आंसर को चेक किए कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट। अब तो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो किसके लिए है, सेंचुरी ईयर के लिए, सेंचुरी ईयर के लिए। तो सेंचुरी ईयर क्या होती है, शताब्दी वर्ष के संबंध में होता है क्या, सेंचुरी ईयर। तो देखो सेंचुरी से नाम पता चल रहा है, यहाँ पे 100 का आपका यूज होगा, तो जो आपकी सेंचुरी ईयर होती है वो क्या होती है, अगर 400 से जो ईयर कम्प्लीटली डिविजिबल है तो वो क्या कहलाती है, आपकी सेंचुरी ईयर कहलाती है, ठीक है ना। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे, देखिए अब आपको एग्जाम्पल दे रखा है, 1700 बताइए सेंचुरी ईयर है कि नहीं, आपको क्या बताना है, 1700 बताना है सेंचुरी ईयर है कि नहीं। तो हम डिवाइड करेंगे कितने से, 400 से, तो देखो 0 से 0 कटेगा, बट 17 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, क्या बचेगा 1 रिमाइंडर बचेगा, और जब रिमाइंडर बचता है तो क्या होता है, जब रिमाइंडर बचता है तो क्या कहलाती है, वो सेंचुरी ईयर नहीं कहलाती है। तो क्या हो गया, ये कौन सी ईयर होगी, ये होगी आपकी ऑर्डिनरी ईयर, क्या कहलाएगी आपकी ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है ना। देखिए कितनी आसानी से आपको समझ में आ रहा है, जो कंसेप्ट है वो आपको कितनी आसानी से समझ में आ रहा है। अब हम दूसरी ईयर लेते हैं, हम लेते हैं कितना 12 है, सेकंड लेते हैं तो सेकंड में आप क्या लेते हैं, हम 1200 लेते हैं, ठीक है ना। 1200 देखिए आपको क्या है, सेंचुरी ईयर है कि नहीं, तो देखो 400 से 00 कैसे 4 से करेंगे तो 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो आपका शेषफल आया, शेषफल क्या हो गया आपका, क्या हो गया वो हो गया आपका 0, तो क्या कहलाएगी आपकी, ये रहेगी आपकी लीप ईयर, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा किस तरह से हम सेंचुरी ईयर को डिफाइन करते हैं, जो लीप ईयर होती है उसमें क्या होता है, एक आपका लीप ईयर में क्या आता है, देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, जो हमारी लीप ईयर होती है उसमें क्या रहता है, हमारे 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, ठीक है, और सिंपल ईयर में क्या होता है हमारा 1 एक्स्ट्रा डेज होता है। तो दोनों कंसेप्ट हमारे क्या क्लियर होके चल रहे हैं। अब चलते हैं हम आगे, आगे देखते हैं हम क्या एक्स्ट्रा डे हम कैसे निकालते हैं, या फिर ऑड डे कैसे निकालते हैं। तो एक्स्ट्रा डे या ऑड डे क्या होता है आपका, बचा हुआ दिन, क्या होता है आपका शेष दिन। तो हम शेष दिन जो होता है उसे हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो हमें देखना है शेष दिन आपको कैसे फाइंड करना है। तो शेष दिन को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी हमारे डे होते हैं उसको 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो वहां से निकलता है हमारा क्या एक्स्ट्रा डे, क्योंकि आपके वीक में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं,
और अगर आपका 8 है तो उसमें एक्स्ट्रा जे कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो हमने आपके लिए एग्जाम्पल लिया 77, 77 में देखिए एक्स्ट्रा जे कितना है, तो आप डिवाइड करेंगे 7 बन गया 7, 7 बन गया 7, 0 आ गया भैया, आपका रिमाइंडर क्या है 0 है। तो यहाँ पे जो आपका एक्स्ट्रा डे का कंसेप्ट आएगा वो क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा। शेष दिन आपके कितना रहेंगे, 0 रह जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे हमारा एग्जाम्पल क्या है, 12 है। देखिए आपको क्या दिख रहा है कि 12 डेज है, तो 12 को हम अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जो आपका शेषफल आएगा वो क्या आएगा, आपका 5 आएगा। रिमाइंडर कितना होगा, 5 होगा। जब 5 रिमाइंडर आ गया है तो क्या हो गया, इसका जो एक्स्ट्रा डे होंगे, जो अतिरिक्त दिन होंगे वो कितने होंगे आपके यहाँ पे, 5 अतिरिक्त डेज होंगे। ठीक है, अब हमने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे हमें हमेशा से देते आ रहे हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आप देखिए 67 है, हम इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 6 में जाता नहीं है तो कितना होगा, 7 निम 63 होता है भाई, 7 निम कितना होता है, 63 होता है। यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 आपका क्या होगा, 4 आपका होगा शेषफल। तो जब शेषफल बच रहा है तो ये क्या हो गया हमारा भाई, आपका शेषफल जब बच रहा है तो क्या होगा, ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा डे। तो यहाँ पे कितना आपका एक्स्ट्रा डे है, आपके 4 यहाँ पे एक्स्ट्रा डे है। ठीक है ना, 4 क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा डे है। तो आपने एक्स्ट्रा डे का कंसेप्ट भी यहाँ से क्या किया, सीख लिया है। अब देखिए आप धीमे धीमे करके सारे कंसेप्ट सीखते जा रहे हो। अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लेते हो तो दूसरा एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं। देखिए आपका क्या 42 है, डिवाइड करेंगे 7 से क्या होता है, देखिए 7 6 28 होता है, 35, 7 15 35, 7 6 42, मतलब यहाँ पे आ गया 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा डे कितना आएगा, 0 एक्स्ट्रा डे होंगे। चलिए अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो आपको पता चल रहा है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो आपके कंसेप्ट क्या होते जा रहे हैं, क्लियर होते हैं। और जब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब हम मंथ में आ गए, देखिए आपके यहाँ पे हमें चेक करना है कि जो हमारे मंथ होते हैं उसमें कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, क्योंकि हर मंथ में आपके डेज होते हैं और जब डेज होते हैं तो एक्स्ट्रा डेज भी होंगे। तो देखिए हमने आपको लिख दे दिया है यहाँ पे, अगर आप फरवरी में जाते हो तो फरवरी कितने की होती है, देखिए दो तरह की आती है फरवरी होती है, एक तो आपकी 28 दिन की होती है, जो आपकी आपकी कैसी होती है, ऑर्डिनरी डेज वाली फरवरी होती है, उसमें कितने होते हैं आपके 28 दिन होते हैं। जब 28 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना होता है, 7 6 28 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डे का कंसेप्ट होता है क्या होता है, वो आपका हो जाता है 0। अब यहाँ पे चलते हैं 29, जो सेकंड टाइप की फरवरी होती है, क्योंकि जो लीप ईयर में आती है उसमें कितना होता है एक्स्ट्रा डे, तो आप डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा आपका, 1 डे बनेगा क्या, एक्स्ट्रा डे। ठीक है, ये आपको यहाँ पता चले। अब देखते हैं हम यहाँ पे जो कुछ डे कुछ मंथ क्या होते हैं वो, जिसमें 30 दिन होते हैं, कितने होते हैं 30 दिन। तो ये आपको जब 7 से डिवाइड करते हो 30 दिन को तो क्या आता है आपका, 2 रिमाइंडर आता है भाई, 28 हुआ 2, तो आपका एक्स्ट्रा डे क्या हुआ, आपका 2 एक्स्ट्रा डे यहाँ पे आपके हो गए। चलिए अब देखो कुछ कुछ मंथ होते हैं इसमें क्या होता है, 31 का आपका महीना होता है, जब 31 का होता है तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं आपके, 7 6 28 और 3 बचेगा, तो ये कितना हो गया आपका, और एक्स्ट्रा डे कितने हो गए, 3 हो गए। चलिए आपको ये भी पता चल गया, अब बोल सकते हो कि सर आपने बता दिया कुछ महीने 31 को होते हैं, कुछ आपके कितने 30 को होते हैं, कौन से महीने होते हैं 31 को होते हैं, कौन से होते हैं आपके जो 30 को होते हैं। तो देखिए आपका अगर आप अप्रैल पे जाते हो, जून पे जाते हो, सेप्टेम्बर पे आते हो, नवंबर पे आते हो, अगर आप इन 4 महीनों में जाते हो तो आपको कौन से कितने दिन के होते हैं, वो आपके 30 दिन के होते हैं, कितने दिन के होते हैं, 30 दिन के होते हैं। बाकी इसके अलावा जो बचता है वो कितने को होता है, 31 को होता है। एक्सेप्शन कितना है, एक्सेप्शन क्या है उसमें, फरवरी को छोड़ के। आप समझ सकते हो जो आपके 4 मंथ कितने हो गए, 4 मंथ हो गए आपके कितने के, 30 के। आपका 4 के बाद कितने बचे, आप बचे कितने भाई, आप बता सकते हो सर 12 महीने होते हैं तो 8 बचे, और 8 में क्या बचा, 7 बचा, क्योंकि एक तो होगी फरवरी, एक क्या हो गई, एक होगी आपकी फरवरी। जब एक आपकी फरवरी होगी तो एक कितनी की होती है, 28 की होती है, या फिर आपकी 29 की होती है। जब 28 की होगी तो क्या होगा, रेस्पेक्टिवली में आप देख सकते हो 28 में 0 ऑड डेज और 29 में 1 ऑड डेज। अब यहाँ पे जब जाओगे तो आपके जो महीने बचे 7 महीने कौन से होते हैं, 31 के होते हैं, 31 तारीख के 7 महीने होते हैं। जब 7 महीने 31 के, 31 वाले में कितने ऑड डेज होते हैं, 3 ऑड डेज होते हैं, कितने होते हैं, 3 ऑड डेज होते हैं। और आपका जो 30 का है तो उसमें कितने होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, महीने का भी ऑड डेज सीख लिया, हमने दिन का भी ऑड डेज सीख लिया। अब चलते हैं हम ईयर पे, तो जब ईयर पे जाएंगे तो ईयर में क्या होता है, देखिए आपका एक्स्ट्रा डे इन ईयर में आप अगर जाओगे तो ऑर्डिनरी ईयर है तो वहां पे 1 होगा और लीप ईयर है वहां पे 2 होगा, ये तो हमने सिखा ही दिया था। अब इसको क्या, अब आपकी ईयर ज्यादा भी हो सकती है तो एक ईयर के लिए कंसेप्ट था, अगर आपकी 1 से ज्यादा ईयर होती है तो वहां पे कैसे निकालना है, तो चलिए वहां पे निकालते हैं भाई। जब 1 ईयर से ज्यादा ईयर होगी तो वहां पे आपको कैसे फाइंड करना है तो उसको देखते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आप। तो देखो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, मैं लिख दिया है बस, आप देख सकते हो फॉर्मूला कैसे बना हुआ है।
देखो आपको क्या लेंगे, ईयर लेंगे प्लस क्या करेंगे, नंबर ऑफ लीप ईयर इन दिस ईयर अपॉन 7 कर देंगे, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, ईयर में आपके कितने ऑड डेज हैं। ठीक, तो देखिए आपको क्या है, जो भी आपको ईयर दे रखी है तो पहले हमें ईयर निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ लीप ईयर्स इन दिस ईयर्स। तो लीप ईयर को कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो लीप ईयर को फाइंड करते हैं डिवाइड बाई 4 करके, क्या करते हैं डिवाइड बाई 4 करके, तो आपका 14 है, 14 को 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 3 12, 3 बार जाएगा, 3 क्या हो गया आपका भागफल हो गया, 3 क्या हो गया आपका भागफल यहाँ पे निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए जो भी निकला है उसको प्लस कर देना है, और आपका ईयर कितना है, 14 ईयर है, तो प्लस करके 14 और 3 आप प्लस करोगे कितना आएगा, 17 आएगा, जब 17 आपका आ जाएगा तो डिवाइड कैसे करेंगे, 7 से, 7 से करने पर क्या होता है भाई, आपका क्या होता है, देखो 7 2 14 होता है, 3 बचते हैं, तो 3 क्या होता है आपका शेष फल, इसी को हम क्या बोलते हैं ऑड डे, इसी को क्या बोलते हैं ऑड डे, आप समझ गए ऑड डे निकालने का कंसेप्ट, भाई आपको पता ही नहीं चला होगा आपके ऐसे, मतलब इतनी आसानी से आपने क्या समझा और ये हम कैसे फाइंड करते हैं आपने सीख लिया। चलिए अब चलते हैं हम, अब आपका ईयर हो गया, अभी कम ईयर हो गया, अब आप बोलो सर अब ईयर बढ़ती जाएगी, ज्यादा ईयर होगी तब क्या करेंगे, हम इतना तो लंबा नहीं करना चाहेंगे, तो हम चलते हैं। देखो आपको एक एग्जाम्पल और बता देते हैं, यहाँ पे क्या है आपको क्या है और ये कैसे निकालना है। ठीक, अब आप यहाँ पे आते हो तो देखिए आपको 46 दे रखा है, तो क्या करोगे सेम आप फोर से डिवाइड करोगे, क्योंकि लीप ईयर चेक करना है, तो फोर से करोगे तो 4 बन जाए 4, वन हो गया 4 बन जाए 4, आपका क्या 11 बार ही जाएगा, इसके ऊपर जाएगा नहीं, तो 11 क्या हो गया आपका भागफल हो गया, तो आपने 11 यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए क्या अपनी ईयर कितनी है, 46 है, 46 लिख लिया, अब आप ऐड कर दो तो क्या होगा 7 और ये 5, ठीक अपन 7 आएगा तो बन क्या आएगा रिमाइंडर, और यही आपका क्या कहलाएगा और डे। चलिए हम एक एग्जाम्पल और करके दिखा देते हैं आपका कितना 99 का, चलिए हम 99 का दिखा देंगे, देखिए आपको 99 करना क्या होता है, सबसे पहले 4 लिखना होता है, 4 लिखोगे डिवाइड करना है, फिर 4 दूना कितना होता है 8 होता है, 4 दूना कितना होता है 8 होता है, 1 बचेगा कितना हो गया 19 हो गया, 4 6 16, 4 5 20, तो क्या हो जाएगा आपका 4 ही बार जाएगा, क्योंकि आपका 20 तो जाना नहीं है। चलिए हमने ये देख लिया कि ये आपका क्या आ गया भागफल आ गया, अब ऑड डे निकालना है, क्या निकालना है आप ऑड डे। ठीक है, ऑड डे के लिए फॉर्मूला क्या था, आपका ईयर लिखना है, ईयर कितना है आपका 99 है, प्लस क्या लिखना था लीप ईयर लिखना था, लीप ईयर कितना आपका 24 है, अपॉन क्या करना था आपको 7 करना था। चलिए हमने ये कर दिया, जब हमने ये कर दिया तो आप यहाँ से अब हम आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे क्या करेंगे ऐड करेंगे, भाई 9 और 4 कितना होता है आपका होता है 13, आप बोल सकते हो सर 13 होता है, 9 और 2 कितना होता है 11 होता है, 11 और 1 12 हो जाएगा, अब आप क्या करोगे 7 से डिवाइड करोगे, चलिए अब 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 7 में 1 बार जाएगा, कितना बचेगा 7 5 कितना होता है आपका 12 होता है, तो 5 बचा और ये हो गया आपका 53 हो गया, तो कितना अब 53 में डिवाइड करना 7 से तो क्या होगा 7 7 7 49 होता है, कितना हो जाएगा आपका 7 7 49 हो जाएगा, 49 होगा, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, देखो हमें तो यहाँ पे चाहिए ऑड डे, तो यहाँ पे क्या हो गया आपके 4 क्या हो जाएंगे आपके ऑड डे निकल आएंगे, एक्स्ट्रा डे कितने हो गए आपके 4 हो जाएंगे, तो आपने क्या निकाल लिए 4 एक्स्ट्रा डे निकाल लिए। ठीक, आपको पता चल गया हमने क्या दूसरा भी निकाल लिया, अगर आप चाहो तो तीसरा निकाल सकते हो, 53 का आप निकाल के देखिए, 53 का आप निकाल के देखिए। ठीक है, और आप क्या जब भी आंसर आपको निकल के आए, आप हमारे जो हमारा क्या एक टेलीग्राम चैनल है वहां पे जाके हमें आप आंसर डिस्कस कर सकते हो कि जो आपने आंसर निकाले वो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल है वो क्या आपका रीजनिंग टू बैंक, टू मीन्स मतलब 2 वाला, टू बैंक, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे हम आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं, और आपको क्या रहता है कोई भी आपको क्वेश्चन से जाओ क्या आंसर आपको पता करने, तो आप वहां पे आके हमसे आंसर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए हम चलते, हमने अब क्या क्या सीख लिया यहाँ पे, हमने ऑड डे निकालना सीख लिया, अब हम आते हैं अपने नई टॉपिक पे, नया क्या है हमारा, देखिए ईयर, जैसे हमने आपको बताया कि अब ईयर बढ़ती जाएंगी, तो देखिए अगर यहाँ पे आपको क्या होता है 100 साल है, 100 साल अगर आपको दे रखी है, 100 साल में ऑड डे कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलते हैं, अब हमने क्या किया 100 साल के लिए, हमने देखो पहले निकाल रखा है, हमने जब निकाल लिया हमें ऐड ही तो करना है, तो देखिए 99 का हमने निकाला था, आपको पता है निकाल के आया था 4 आया था, कितना आया था 4 आया था रिमाइंडर, कितना आया था 4 के आया था रिमाइंडर निकल के आया था, जब 4 रिमाइंडर निकल के, अब हमें क्या दिया 100 साल दिए, तो 100 साल है तो 1 साल में मतलब आपका क्या 99 में हमने लिख लिया प्लस क्या होगा 100 साल, अब 100वीं साल देखिए क्या होती है, जो आपकी 100वीं साल होती है वो क्या होती है आपकी ऑर्डिनरी आती है, जो आपकी 100वीं साल होती है वो कौन सी होती है ऑर्डिनरी निकल के आती है, तो ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है भाई आपका ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है आपका वन डे होता है, कितना होता है वन डे होता है, तो जब आप 4 और 1 करोगे तो क्या होगा 5, तो 5 क्या होते हैं एक्स्ट्रा डे, किसमें 1 साल में, तो
आपने यहां से देख लिया एक साल में कितने होते हैं, 5 एक्स्ट्रा डे होते हैं। 5 क्या होते हैं, अतिरिक्त दिन होते हैं। क्या होते हैं, अतिरिक्त दिन होते हैं। 5 आपके अतिरिक्त दिन होते हैं किसमें, और डे में, मतलब अतिरिक्त दिन होते हैं किसमें, आपके एक साल में। ठीक, चलिए हमें ये पता चल गया। अब जैसे ही आपको ये पता चला है तो आप आगे चल सकते हैं। आगे हम चलते हैं 2 साल पे। अगर 200 साल दे रखा है तो देखो 200 साल निकालने के लिए अब तो सिंपल हो गया। अब तो हमें पता चल गया भाई आपके एक साल में कितना, 5 है, तो 200 साल में कितना हो जाएगा भाई, डबल हो जाएगा। 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा, 2 साल में आपका 10 हो जाएगा। अब जब 10 होगा तो हम क्या करेंगे, 10 तो देखो 7 से ज्यादा होता है, क्योंकि और ये तो 7 हो सकते हैं, और ये कितने हो सकते हैं, हमारे लेस देन 7 हो सकते हैं भाई, आपका 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, और 1 हो सकता है। 0 होगा मतलब 7 है, तो 7 पे 0 हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा डे नहीं, और 7 से ज्यादा कभी हो नहीं सकते। तो आप क्या है, जब हमारे पास 10 दे रखे हैं तो क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 3 हमारे यहाँ पास क्या निकल आएगा, रिमाइंडर। शेष पर जब 3 निकलेगा तो क्या होगा हमारे ये, और ये तो 200 साल में पता चल गया कितना होता है, और जो होते हैं कितने, 3। चलिए अब हम चलते हैं आगे। जब हमें 200 साल में पता है तो हम देखते हैं 300 साल में कितना होंगे। चलिए अब 300 साल में निकालते हैं, तो देखो 300 साल को हम कैसे लिख सकते हैं। हमने लिखा क्या, 200 साल लिख लिया, प्लस 99 लिख लिया, प्लस क्या कर दिया, 320 साल कर दी। तीनों को ऐड करो कितना होगा भाई, 200 साल में कितना निकाला, 3 निकाला, 99 कितना निकाला, 4 निकाला, और 30वीं साल जो 320 साल होती है कौन सी होती है, वो उसमें 1 होता है। तो क्या हुआ आपका, 8 होके आ गया। जब 8 होके आया तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, डिवाइड बाई 7, तो क्या निकलेगा आपका, 1 ऑड डे। ठीक है, अब ये तो हो गया एक तरीका। आप चाहो तो आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। जैसे कैसे, देखिए आपका 100 साल में कितना होता है, 5 ऑड डे होते हैं, कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो आपके 300 साल में कितने हो जाएंगे, देखो क्या होगा, 5 × 3 भाई 100 साल में कितने, 100 साल में कितने, 5, तो 300 साल में × 3 कर देंगे, क्या निकलेगा आपका, 15 निकलेगा। आप डिवाइड भाई क्या करेंगे, 7 करेंगे, तो क्या निकल के आएगा, 1 निकलेगा। यहाँ से क्या निकला, 1 ऑड डे निकला है। अब देखिए आप देख सकते हो यहाँ से भी हमने क्या कर दिया, आपको ऑड डे निकालना बता दिया। मीन्स आपने अगर 100 साल का ऑड डे निकालना आता है तो आप किसी भी साल का ऑड डे निकाल सकते हो। अब चलते हैं आगे, 300 साल पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, 300 साल पे। ठीक, तो 300 साल पे कैसे करोगे, वही सेम तरीका, 300 + 99 प्लस आपकी क्या है, 300 तो हमने हो गया, 400 वाला चल रहा है, तो 400 वाली सी है। अब जैसे ही आप देखो 300 में कितना होगा, 1 होगा, 99 में 4 होगा, और 400 में क्या होगा, तो जैसे ही आप 400 में जाओगे आपको पता चल जाएगा 400 ईयर क्या है, आपकी लीप ईयर है। हमने बताया था कौन सी होती है, सेंचुरी ईयर होती है भाई, 400 आपकी सेंचुरी ईयर होती है, और जो आपकी सेंचुरी ईयर होती है वो क्या होती है, आपकी लीप ईयर होती है। और जैसे ही आपकी लीप ईयर होती है उसमें ऑड डे कितना होता है, आपका ऑड डे होता है आपका 2। लीप ईयर में ऑड डे कितना होता है, 2 ऑड डे होते हैं लीप ईयर में। ठीक, जब 2 ऑड डे होते हैं तो हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करने में क्या निकलेगा, देखिए आपका 1 और 4 कितना, 5 हो गया, और 2 7 हो गया। ठीक, जब 7 आ जाएगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 क्या हो जाएगा, ऑड डे। तो आपके 400 में कितने होते हैं, ऑड डे 0 होते हैं। दूसरे तरीके से बोलो सर, दूसरे तरीके से निकाल के दिखाओ, तो देखो 100 में कितने होते हैं, 100 में आपको होते हैं 5, तो 400 में क्या हो जाएगा भाई, 100 में 5 और 400 में क्या हो जाएगा, आपके कितने होंगे, देखिए 100 में 5 और 400 में, तो 5 × 4 कितना हो गया, 20 हो गया। अब बोलो सर कि 20 हो गया और यहाँ पे आपका कितना आएगा, 21 आएगा, तो यहाँ पे एक दिन क्या होगा भाई, अब यहाँ पे हमारा ये लीप ईयर है, तो जब लीप ईयर आएगी तो क्या भाई, सेंचुरी ईयर को ही क्या बोलते हैं, लीप ईयर, तो 21 हो जाएगा। जब 21 होगा तो 7 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 7 × 14 = 7, 21, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, कितना आएगा, 0 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 400 ईयर का। अब आपको 400 ईयर का कंसेप्ट पता चल गया है, 400 ईयर का कंसेप्ट पता चल गया है। चलिए अब हम यहाँ से देख सकते हैं, तो क्या होता है, एवरी मल्टीपल ऑफ 400 है ऑड डे 0। तो आपके क्या, देखिए अगर आप 400 से जाओ कितना, 800 जाओ तो आपका कितना होगा, ऑड डे 0 होगा। आप 1200 जाओ कितना होगा, ऑड डे 0 होगा। मीन्स आपकी 400 की टेबल आपकी जहाँ तक जाएगी वो सब ऑड डे, जिसमें क्या होंगे, 0 निकल के आएंगे। ठीक है ना, कितने निकलेंगे, 0 निकलेंगे। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, डे मंथ ईयर सबका और डे निकालना सीख लिया। कुछ एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया, इसको देख लिया सॉल्व करके। एग्जाम्पल क्या है, देखिए अगर आप 1700 ईयर आपको दे रखा है तो इसमें और डे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, 1700 को हम 1600 कर सकते हैं, प्लस 100 कर देंगे, 1700 हो गया। अब 1600 क्या होगा, 4×16 भाई, 400 से 1600 कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, तो आपका और 100 में क्या होगा, 5 होगा, तो कितना होगा, 5 ऑड डे यहाँ पे निकल के आ गया, निकालना सीख गया। अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में कि आप 1700 का ऑड डे निकालिए, चलिए आप निकालते हैं 1322 का, तो 1322 को क्या लिख सकते हैं, 1200 लिख सकते हैं, प्लस 100 लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं, 22 लिख सकते हैं। 1200 का कितना हुआ, 0 हो गया,
100 का कितना, वो 5 हुआ। अब 22 का हम बता देते हैं, 22 जब आपकी 22 ईयर कैसे निकालते थे भाई, 22 को हम डिवाइड करते थे 5 से, तो वो आपका लीप ईयर निकल आती थी। कितनी निकली आपकी? 5 लीप ईयर निकली। फॉर्मूला क्या था? ईयर प्लस लीप ईयर। ईयर कितनी? 22 है प्लस 5 है, तो कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 27। 27 को डिवाइड किससे करोगे? 7 से करोगे, तो 6 निकल के आएगा आपका क्या? यहाँ पे 6 निकला आपका एक्स्ट्रा जे। कितना निकला? 6 निकला आपका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जे। तो जब 6 निकला तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो देखो 1200 को 0 लिखा, 100 का हमने 5 लिखा, और जब 22 का निकला कितना आया? 6 निकल के आया, 22 को 6 लिख लिया। इसको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा? 11 होगा। 11 होती क्या होगा? 7 से डिवाइड, तो आपका 4 क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? और ये अतिरिक्त दिन निकल के आएगा यहाँ पे, कितना? 4 अतिरिक्त दिन निकलेगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हो, कितना भी ईयर हो, कितना भी डे हो, कितने भी मंथ हो, आप क्या निकाल सकते हो? और ये निकालना सीख गए। अब देखिए, और ये के लिए एक बस आपको ये टेबल देखनी है। टेबल में क्या है आपका? एक डे फिक्स हो जाता है। तो देखिए हमने और डे का कंसेप्ट क्या है, अगर आपके और डे 0 निकल के आता है तो उसको हम क्या करेंगे? हम मानेंगे संडे। सेम फिर आपका बढ़ता जाएगा, मंडे के लिए 1, ट्यूजडे के लिए 2, वेडनेसडे के लिए 3। इस तरह से आपका 7 डे होते हैं, तो 6 तक आपका चलेगा, 0 ऐड करते हुए 6 तक। तो ये आपको क्या, एक बार में याद करोगे, हो याद हो जाएगा। चलिए अब हमारे अब क्या क्या यहाँ पे सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 14 जून 1993। तो आपको यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। आपको ये पूछा जा रहा है 14 जून 1993 में आपके कितने, आपका कौन सा दिन होगा, तो कौन सा दिन होगा आपको पूछ रहा है। तो अभी तक हमने आपको जितने भी कंसेप्ट बताए थे, उन कंसेप्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए चलते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ, क्योंकि क्या होता है, कंसेप्ट की क्या होती है? पावर होती है। तो आपके 1993 में पहुंचते हैं पहले। तो देखिए 1993 में क्या पूछा गया, 14 जून, मतलब क्या हो रहा है, जो 93 वाली ईयर है वो कंटिन्यू है, मतलब चल रही है, चल रही है। तो हमारे पास 14 जून का हम निकालेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हम लेते हैं 1992, एक साल कम कर देते हैं, क्योंकि 1992 तक का पता चल जाएगा। फिर हमारे पास जो भी डे होंगे, मंथ होंगे, उनको हम निकालेंगे। तो जब आप 1992 तो उसको क्या लिखोगे, 1600 लिखेंगे प्लस 300 प्लस 92, तो क्या हो जाएगा आपका 1992। अब हमें पता चलेगा कैसे करते थे, 1600 का 0 हो गया, 300 का क्या होता है, 1 होता है भाई, जब 100 का 5 होता है, आपका 200 का कितना होता है, 200 का 3 होता है, और 300 का आपका क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। अब आप 92 पे जाएंगे, 92 का सेम कंसेप्ट, 4 से डिवाइड करेंगे 23 हो गया भाई, 4 से भाई डिवाइड करके देख लो, 4 दूनी 8 और 1 बचा, तो 4 3 12, 23 हो गया। जब 23 हो गया, 23 को किस में करेंगे, ईयर में ऐड कर देंगे, ऐड करके 115 आएगा, डिवाइड बाई 7 करेंगे, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे 3 निकल के आ गया। 3 को हम यहाँ रख देंगे, 3 को 4 हो गया, तो एक हमारा निकल आया 1992 का, हमने निकाल लिया, और ये कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमारे पास दे रखा है 14 जून, तो देखो 14 को 14 दे रखा है, 14 को 7 से डिवाइड कर लो, यहाँ से 14 को 7 से करेंगे तो 0 आ जाएगा भाई, तो ये तो खत्म हो गया। अब बचा जून, अब जून में 14 खत्म हो गए, तो हमारे पास क्या बचेगा, जून से पहले के जितने भी महीने थे वो बचाएंगे, लिख लेते हैं। ये क्या होता है, फर्स्ट महीना क्या होता है मंथ का, जनवरी होता है, फिर फरवरी आता है, मार्च आता है, अप्रैल आता है, मई आता है, उसका जून आता है, जून तो यहाँ पे है ही है, देख लेते हैं ठीक। अब देखो जनवरी में कितने होते हैं, 3 होते हैं, फरवरी में कितने होते हैं भाई, आपका 0 होता है या फिर 1 होता है। 0 के लिए क्या होगा, 1 के लिए क्या होगा, आपका ये होना चाहिए कितना, लीप ईयर। अगर यहाँ 94 होता तो आपका क्या होता, 1 आता, बट यहाँ पे क्या, ये लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, 0 आएगा। मार्च में 3 होता है, अप्रैल में कितने होते हैं, 2 होते हैं, मई में कितने होते हैं आपके, 3 होते हैं। ऐड कर देते हैं 3 तरह का भाई, आपके 3 3 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 और 3 11 हो गया, 11 निकल के आ गया ठीक है। अब आप ऐड कर दीजिए, देखिए 4 यहाँ से निकला, 11 यहाँ से निकला, 0 यहाँ से निकला, 15 आ गया, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 आ गया। अब बन कोज किसका होता है, देखिए बन कोज क्या होता है, हम बता देते हैं यहाँ से, देखिए जो आपको बन कोज होता है किसका, मंडे का होता है। बन कोज क्या होता है, मंडे का। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि क्या है ये वन, इसमें मतलब जो आपका 14 जून 1993 होगी वो क्या होगा, उसका जन्म क्या होगा, आपका मंडे होगा। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, आप कैलेंडर से चेक कर सकते हो, आपके पास कैलेंडर होगा आपका 1993 का, उसमें चेक करिए और बताइए कि वो 14 जून में कौन सा दिन था, तो आपको पता क्या चलेगा, मंडे था। चलिए एक क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 13 अप्रैल 1723। आपको इसमें निकालना है कि आपका कौन सा डे होगा। दूसरा क्वेश्चन सामने आपको दे देते हैं यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन क्या आप देते हैं कि बताइए आपका 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे होगा, आपको ये निकाल के हमें बताना है ठीक है ना। तो 15 अगस्त 1947 कौन सा डे होगा ये आपको बताना है। चलिए हम आपको ये बता देते हैं
15 अप्रैल 1923। तो चलिए हम बताते हैं आपको, 15 अप्रैल क्या है आपका, 15 अप्रैल 1723। क्या है, 15 अप्रैल 1723। इसको हम चलते हैं सॉल्व करने के लिए, 1723, क्योंकि बोलोगे सर आपने सॉल्व करके दिखाया नहीं, तो हम एक आपको क्या क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए 1700 क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, 1600 प्लस आपका क्या है 100, और प्लस में आपका क्या होगा 23। 1600 प्लस 100 प्लस 23, ठीक, तो ये आपका आ जाएगा। चलिए 1600 में कितना होगा, ये आपका 400 से डिवाइड होगा तो आपका 0 हो गया। 100 में क्या होगा आपका, 100 को किससे डिवाइड करोगे, तो आपको 5 आ जाएगा। अब आपका 23 आता है, 23 के लिए चलते हैं, 23 के लिए क्या था, सेम कंसेप्ट, आपको 4 से डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा भाई आपका, जाएगा कितना होगा, 4 पन्ने 20, तो 5 बार जाएगा, बिचार 6 के 24 तो नहीं जाता है, चलो 5 बार चला गया। 5 बार गया तो हम क्या करते थे, 23 और प्लस 5, ठीक है, डिवाइड बाई 7 करते थे। करिए आपका 23 और 5 कितना होता है, 28 होता है, 28 बाई 7 करेंगे तो क्या होगा, 7 चौक 28, भाई कंप्लीट ये आ रहा है, 0 हो गया। यहाँ तो हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, क्या लिख दिया, 0, तो यहाँ से आपका क्या 5 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं एक आपका दूसरा क्या आता है, 15 अप्रैल, जब आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, 15 अप्रैल दे रखा है, तो 15 अप्रैल का देख लेते हैं, 15 का क्या हो जाएगा, 15 बाई 7 क्या होगा, 1, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 और 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया। अभी क्या बचा, अप्रैल है, तो अप्रैल से पहले एक महीने क्या होते हैं, देखिए तो आपका क्या होगा, जनवरी होगा, फरवरी होगा, आपका मार्च होगा, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, तो आपका यहाँ पे हमने कर ही लिया। तो जनवरी में आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं, फरवरी देखिए लीप ईयर था नहीं है, फरवरी में कितने होंगे आपके, 0 होंगे, और मार्च में कितने होंगे आपके, 3 होंगे, ठीक है। अब ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से निकल आएगा आपका 6, तो आपके जो डे होंगे और डे कितने होंगे, देखिए 5 5 हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है, और आपका 1 आपका ये 6 ले लो यहाँ से, तो 6 हो गया, प्लस 6, और प्लस आपका क्या हो गया, 1 हो गया, ऐड कर दो, देखिए 5 और 1 क्या हो गया, 6 हो गया, 6 और 6 क्या हो गया, 12 हो गया। 12 को क्या करना है, 12 को करना है 7 से डिवाइड, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। 5 किसका डे होता है भाई, 5 किसका होता है आपका, तो आपके 5 के लिए देख लीजिए क्या चेक कर सकते हैं, यहाँ से देखो आपको 5 का फ्राइडे का है, 5 किसका आपका, फ्राइडे का और डे है, ठीक, तो फ्राइडे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्राइडे आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं हमने क्या कुछ गड़बड़ किया है क्या, यहाँ पे आपका 13 अप्रैल है, देखो मैं वही लगा ना, यहाँ पे आंसर हमने क्या लिखा है, हमने ट्यूजडे लिखा है, क्या लिखा है, ट्यूजडे लिखा है, और फिर यहाँ पे क्या है, हमने 13 अप्रैल लिखा है, तो थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को यहाँ पे 15 अप्रैल कर दिया। अगर यहाँ पे 13 अप्रैल होता तो क्या होता, देखिए 13 अप्रैल के लिए देखते हैं, 13 होता तो बस आपका बाकी सब सेम रहता भाई, बाकी क्या 7 से डिवाइड करते तो कितना होता भाई, 1 बार में जाता, और कितना बचता आपका, यहाँ से कितना बचता भाई, आपका बचता यहाँ से 6 बचता, जब 6 बचता तो ये कितना आ जाता, यहाँ जो बनाया था यहाँ पे 6 आ जाता, तो क्या होता आपका, 5 प्लस 6 और प्लस क्या होता आपका, 6 होता, तो कितना होता, देखिए 6 दिन 12 36 18 देख 17 आ जाता, और जब आपका 17 आता तो यहाँ से डिवाइड करते 7 से, तो कितना बचता आपका, 3 बचता, 7 दिन 14 3 बचता। और 3 के लिए कोड क्या है, देखिए 3 के लिए कोड क्या आपका, वेडनेसडे, 3 के लिए कोड क्या आपका, वेडनेसडे, फिर देखते हैं अभी 6 दुनी 7 दुनी 14 होता है, और एक बचेगा कितना, 6 हो जाएगा, 6 तो 5 6 और आपका यहाँ पे बचता 6, ठीक है, 6 दुनी 12, 12 और 5 आपके कितने होते हैं, 17 होते हैं, ठीक है, 7 दुनी 14 और 3 हो सकता है वहां पे आपका आंसर गलत है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या है ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाना, 15 अगस्त 1947 का, 15 अगस्त 1947 का आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आना, और हमारा आंसर क्या करना है, आंसर हमें आपको पोस्ट करना है किसमें, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको आंसर भेजना है, ठीक है ना, तो आप वहां पे आंसर भेजोगे और हम आपको बताएंगे आपका आंसर सही है कि नहीं है, ठीक, तो जैसे आपका आंसर सही हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन जब तक आप प्रेस नहीं करोगे तब तक आपके पास नहीं आएगा क्या, नोटिफिकेशन, ठीक, तो नोटिफिकेशन आने के लिए क्या आपको